हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशीद मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीके। सो पीके या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फार्माकोडायनेमिक्स। सो फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों ही फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस हैं। फार्माकोडायनेमिक्स होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इट मींस ड्रग हमारी बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट शो करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर। सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स, फर्स्ट हम इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। सो फार्माको का मतलब है ड्रग या फिर मेडिसिन। सो जो कॉमनली हम मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग लेते हैं उसको बोलते हैं फार्माको। काइनेटिक्स का मीनिंग होता है मूविंग या फिर मूवमेंट। सो ड्रग्स, जो भी मेडिसिन हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे मूव करती हैं, क्या उनकी मूवमेंट होती है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। सो फार्माकोडायनेमिक्स क्या था, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, क्या इफेक्ट शो करता है। फार्माकोकाइनेटिक इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो कैसे वो हमारी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी उसको किस तरह से लेती है, ड्रग को किस तरह से लेती है मेडिसिन को, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। या फिर इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन। ये किसकी स्टडी है, ड्रग मूवमेंट इन, मतलब ड्रग जब हमारे माउथ से इन गया। सपोज अगर हम ओरल रूट प्रेफर कर रहे हैं तो माउथ से वो हमारे अंदर गया, हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन। अगर हम पेरेंट्रल रूट फॉलो कर रहे हैं जैसे कि आईवी इंट्रामस्कुलरली, तो हमारे ब्लड के थ्रू अंदर गया। सो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन, जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी में एंटर हुआ, देन वो हमारी बॉडी में एंटर होकर कहां कहां जाता है ड्रग, एंड अल्टीमेटली आउट ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट क्या होता है, वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, मीन्स एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक, मीन्स सिंपली ड्रग हमारी बॉडी में जाता है, एंटर होता है, ड्रग मूवमेंट इन थ्रू, मीन्स हमारी बॉडी में अंदर जाकर वो कहाँ कहाँ जाता है, बॉडी के थ्रू मेडिसिन, एंड अल्टीमेटली वो लास्ट में क्या होता है, इवेंचुअली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। फर्स्ट ये किसकी स्टडी है, कि ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। ड्रग्स मीन्स कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी में फर्स्ट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे ही हम मेडिसिन को लेते हैं, चाहे वो ओरल रूट है, मीन्स एंट्रल रूट है, या फिर पेरेंट्रल रूट है, तो फर्स्ट ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, देन डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वो हमारे पूरे बॉडी टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर जो हमारा टारगेट टिश्यू है जहां पर ड्रग ने एक्ट करना है जाकर, मेनली वहां पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड मेटाबोलाइज, देन वो मेटाबोलाइज होती है, एंड लास्टली क्या होती है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, एंड अल्टीमेटली ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इसको लर्न करने का एक न्यूमोनिक है, दैट इज ADME। सो ADME, ए का क्या मतलब है, एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रग जब हमारी बॉडी में जाता है, जब हमने ड्रग को लिया है, एंटर किया है या फिर एडमिनिस्टर किया है अपनी बॉडी में, सो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जिसको बोलते हैं इनपुट। मतलब इनपुट हमने ले लिया है, इनटेक हमने कर लिया है ड्रग का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली दैट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू द एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम। ड्रग को एडमिनिस्टर करने से लेकर, एंटर करवाने से लेकर बॉडी में, उसकी एंट्री ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जाना ड्रग का, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ड्रग का ब्लड में जाना यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जब ड्रग हमारे जो ब्लड है सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर इनपुट ऑफ ड्रग। सो सपोज हमने ये एक मेडिसिन है, एक कैप्सूल है, टैबलेट है, कुछ भी लगा लो। तो अभी हम ओरल रूट की बात करते हैं, जो एंट्रल रूट होता है, जब हम ओरली मेडिसिन को लेते हैं। सो मेडिसिन हमने ओरली लिया, सो मेडिसिन फर्स्ट
हमारे माउथ से देन ईसोफेगस में जाएगा एंड देन स्टमक में जाएगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। सो चाहे वो स्टमक है या इंटेस्टाइन है, उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, सो ये जो लाइनिंग है एपिथेलियल लाइनिंग, इस एपिथेलियल लाइनिंग से जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ से मेडिसिन स्टमक और इंटेस्टाइन से मेडिसिन, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से मेडिसिन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड में एंटर हो जाएगी। अगर हम एंट्रल रूट की बात करें तो इस तरह से एंट्री होती है ब्लड में एंड देन वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल जाती है। मींस जो हमारा पूरा ब्लड जो हमारी बॉडी में जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में देन मेडिसिन एंटर हो जाती है। अगर हम पेरेंट्रल रूट की बात करें जैसे कि इंट्रावेनस, सो इंट्रावेनस में हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवाते हैं मेडिसिन को, तो वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद देन पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम आईएम रूट की बात करें तो इंट्रामस्कुलर मसल के थ्रू, देन हमारे रूट्स आते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मीन्स हम टंग के नीचे रखते हैं और टंग के नीचे हाईली वास्कुलर एरिया होता है और डायरेक्टली कैपिलरी से ड्रग ब्लड में चली जाती है। देन सबक्यूटेनियस स्किन के थ्रू, अगर हम टॉपिकल अप्लाई करें, स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कोई मेडिसिन को, तो वो भी स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन होना ड्रग का ब्लड में। सो ब्लड में मीन्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाना ड्रग का, दैट इज एब्जॉर्प्शन और इनपुट ऑफ द ड्रग और मेडिसिन। सेकेंड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मेडिसिन इन टिश्यूज। सो एक बार जब ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब का मतलब है मेडिसिन ब्लड में जा चुकी है, चाहे वो ओरल रूट से गई, ओरल रूट से एक बार जीआईटी ट्रैक में एंटर हुई तो वो वहां की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर पेरेंट्रल रूट की बात करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली ही ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में, अब ब्लड क्या करेगा, क्योंकि ब्लड हमारा टिश्यूज के पास जा रहा है, पूरे बॉडी में जा रहा है, तो जो हमारी ड्रग है वो भी ब्लड के साथ हमारे टिश्यूज में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट। सो सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चली गई है तो अब ये हमारे पूरे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि ब्लड हमारा पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्लड के थ्रू ये जो ड्रग है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब हर जगह पहुंच जाएगी टिश्यूज में। एंड मेनली जहां पर टारगेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करना है, जो ड्रग का टारगेट है, सपोज हमने हार्ट के लिए दी थी तो हार्ट वाले एरिया में जाकर वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज मेडिसिन इन टिश्यूज, मींस मेडिसिन टिश्यूज में पहुंच चुकी है, ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिज्म इन टिश्यूज। सो मेटाबॉलिज्म को और क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। So, metabolism या फिर biotransformation are same. Now, metabolism या फिर biotransformation का मतलब क्या है? So, biotransformation, transformation means change होना. So, drug का एक form से दूसरी form में change होना. So, metabolism क्यों जरूरी है? Drug का एक form से दूसरी form में change होना क्यों जरूरी है? Now, बहुत सारे drugs ऐसे होते हैं जो कि as it is हमारी body से excrete out नहीं हो सकते. So, उन drugs को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना जरूरी है ताकि वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। नाउ मेटाबॉलिज्म प्राइमरली कहां पर होता है, मींस जो प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म की वो है लीवर। सो दिस इज लीवर और प्राइमरली यहां पर मेटाबॉलिज्म होता है। वैसे तो और भी प्लेसेस है बॉडी में जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। लीवर में हिपेटिक माइक्रोसोमल मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। नाउ ड्रग को मेटाबोलाइज करना इसलिए भी जरूरी है, लीवर क्या करता है, ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब है या तो ड्रग अगर एक्टिव फॉर्म में है तो लीवर उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एंड समटाइम्स क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो लीवर में जाकर अगर वो इनएक्टिव हैं तो
तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लिवर डोपा। सो मेटाबॉलिज्म जरूरी है। प्लस कुछ ड्रग्स को, मोस्टली ड्रग्स को लीवर क्या करता है, इस फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि वो इजिली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, हमारी बॉडी से यूरिन या फिर फीसिस के थ्रू बाहर निकल सके। सो क्योंकि ड्रग अगर हमारी बॉडी में ही रह गया तो वो भी टॉक्सिसिटी कोज करेगा, क्योंकि इसलिए ड्रग का हमारी बॉडी से निकलना भी जरूरी है। नाउ मेटाबॉलिज्म अब दो तरीके से है। एक तो होता है एंट्रल रूट से मेटाबॉलिज्म। एंट्रल मतलब जब हम ओरली मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन हमारे जीआईटी ट्रैक में जाती है, दैट इज ईसोफेगस, देन स्टमक और देन इंटेस्टाइन में मेडिसिन जाती है, दैट इज ओरल रूट, एंट्रल रूट। देन आता है अदर रूट, दैट इज पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में क्या होता है कि हम ओरली मेडिसिन नहीं देते, हम आईवी रूट, आईएम रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्राडर्मल रूट, सबलिंगुअल रूट या फिर टॉपिकल रूट के थ्रू मेडिसिन देते हैं। सो ये रूट्स हो गए पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट से क्या होता है, जो ड्रग है वो पहले क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद हमारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है ड्रग, उसके बाद ड्रग की मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स ड्रग मेटाबोलाइज होता है एंड लास्ट एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन जब हम ओरल रूट प्रेफर करते हैं, दैट इज एंट्रल रूट, तो क्या होता है कि मेडिसिन हमारी बॉडी में एंटर होकर, मेडिसिन एंटर हो गया स्टमक के बाद, मेडिसिन कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है सो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू सपोज ड्रग हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है। सो क्योंकि हमें पता है कि जीआईटी ट्रैक से पोर्टल वेन जाती है लीवर को, सो बहुत सारी कैपिलरीज, चाहे वो स्टमक से हो या इंटेस्टाइन से, वो सब कैपिलरीज किन में आकर मिलती है, पोर्टल वेन में। और ये पोर्टल वेन हमारी कहां जाती है, लीवर के पास। तो क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जब हम जीआईटी ट्रैक से कोई भी मेडिसिन देते हैं, ओरली लेते हैं, तो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू हमारा लीवर में चला जाता है। सो लीवर में क्या होता है, फर्स्ट ड्रग का मेटाबॉलिज्म, देन मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर जब उसको मेटाबोलाइज कर देता है, ड्रग को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, तो उसके बाद ड्रग लीवर से कहां जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इट मींस ब्लड में जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जहां पर ड्रग ने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचना था, उससे पहले ड्रग क्या हो गया, लीवर में मेटाबोलाइज हो गया। मींस यहां तो ड्रग क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, ड्रग जब लीवर में जाते हैं मोस्टली ड्रग्स वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म से लेस एक्टिव फॉर्म में। जैसे कि अगर कोई भी ड्रग हमने ओरल रूट से दिया तो वो पहले ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में चला गया। नाउ जब वो लीवर में गया तो क्या हुआ, वो जितना एक्टिव था उससे कम एक्टिव हो गया, क्योंकि लीवर ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो क्या हुआ, ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितना ड्रग एक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल है। सो वो ड्रग का कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इट मींस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है हमारा अगर हम ओरल रूट से मेडिसिन को देते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ड्रग पहले फर्स्ट कहाँ जाएगा, लीवर में मेटाबोलाइज होने, अगर हम ओरल रूट से देते हैं, जो जीआईटी लाइनिंग है वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगा, लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा। मोस्टली ड्रग के साथ ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म से लेस एक्टिव या फिर एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको ये इनएक्टिव में एक्टिव कन्वर्ट कर देता है। तो ड्रग लीवर क्या करेगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ड्रग की, एंड उसके बाद जो ड्रग है वो देन फर्दर वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, देन वो टारगेट ऑर्गन पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ओरल रूट से कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें ज्यादा डोज में देनी पड़ेगी,
ताकि वो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अल्टीमेटली हमारे पास अवेलेबल हो, इतनी अवेलेबल हो कि जो एक्शन परफॉर्म कर सके। सो मेटाबॉलिज्म का मुझे ये समझाना था कि अगर हम ओरल रूट से देते हैं तो ड्रग को पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि आईवी रूट हो गया, आईएम हो गया, तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं आता, पहले ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। देन लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी से आउट हो गया। सो ड्रग का हमारी बॉडी से आउट होना भी जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में वो टॉक्सिसिटी कोज ना कर सके या फिर कहीं पर एक्यूमुलेट ना हो जाए ड्रग। सो मेनली क्या करता है, जो लीवर है वो ड्रग को मेटाबोलाइज करके उसको क्या करता है, इस फॉर्म में चेंज कर देता है, ऐसी शेप में ले आता है ताकि वो ईजली हमारे यूरिन से या फिर फीसिस से निकल सके और एक्सक्रीट आउट हो सके। मोस्टली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है ताकि वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो लास्ट स्टेप इज एक्सक्रीशन। सो हमारे पास जो स्टेप्स थे वो क्या थे, ए डी एम ई। अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन या फिर इनपुट। सो नाउ हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द पैसेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जहां से हमने एडमिनिस्टर किया ड्रग को, चाहे वो ओरल है मीन्स एंट्रल है या फिर पेरेंट्रल है, ओरल से अलग कोई रूट है तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर टू इट्स एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम। सो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है थ्रू या फिर एंड पैसेज ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो एकदम ड्रग तो ब्लड में एंटर नहीं हो जाएगा। सो ड्रग को ब्लड में एंटर होने से पहले किसके थ्रू गुजरना होता है, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। सो सपोज अगर हमने ओरली कोई ड्रग ली है तो वो ड्रग कहाँ पहुंची, हमारे स्टमक में पहुंची, इंटेस्टाइन में पहुंची, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ से गुजरेगी, जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग है तो उससे गुजरकर वो कहाँ पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी। सो कोई भी ड्रग को किसके थ्रू गुजरना पड़ता है, किसके थ्रू जाना पड़ता है, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाना पड़ता है टिश्यूज या फिर सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम एंटर किया है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रा सेलुलर स्पेस। सो ईसीएफ इज जो ड्रग हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर पड़ी हुई है, एंड आईसीएफ इज सेल के अंदर। तो देयर आर बेसिकली फोर मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो हमारी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो सेल के बाहर से अंदर जा सकती हैं, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर में जा सकती हैं। फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ इज पिनोसाइटोसिस। सो इन ये जो प्रोसेसेस हैं इनसे आप फेमिलियर भी होंगे ऑलरेडी। नाउ एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का एक प्रिंसिपल है दैट जो लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स, ये इजिली जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करते हैं, इट मींस ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। सो लिपिड सोल्यूबल और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स इजिली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इजिली ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बायलेयर है। सो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें पता है दैट कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, लिपिड बायलेयर है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है सेल के अंदर जाना, कुछ को अलाउ नहीं करती। तो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होंगे, वो इजिली लिपिड बायलेयर से क्रॉस हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सेल के अंदर चले जाएंगे। नॉन आयोनाइज ड्रग्स क्या होते हैं, नॉन आयोनाइज ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो भी इजिली सेल को क्रॉस कर जाते हैं, मीन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सेल के अंदर चल जाते हैं। वेयर एज जो वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं,
वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड है, लिपिड बायलेयर है, तो वाटर सोल्यूबल ड्रग इजिली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आयनाइज ड्रग, क्योंकि आयनाइज ड्रग की जो वाटर सोल्यूबिलिटी है वो हाई होती है, लिपिड सोल्यूबिलिटी कम होती है, इसलिए वो भी इजिली क्रॉस नहीं कर पाती हमारी सेल मेम्ब्रेन को। सो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का या सॉल्यूट का मूवमेंट कहलाता है पैसिव डिफ्यूजन, या फिर आप ये कह सकते हैं अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स अगर यहाँ पर सपोज हमारी जीआईटी ट्रैक में कंसेंट्रेशन किसी ड्रग की हाई है और ब्लड में कम है, तो ड्रग जीआईटी ट्रैक से ब्लड में कैसे जाएगी? क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन जीआईटी ट्रैक में और ब्लड में कम है, तो हाई टू लो वो मूव होगी, दैट इज अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव होगी, उसको कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती। सो सपोज ये एक सब्सटेंस है, सो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा, इस सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज्यादा है। अब इसने सेल को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सेल के अंदर जाना है। अब सेल के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन लो है, तो ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा और सेल के अंदर चला जाएगा। सो पैसिव डिफ्यूजन यूजुअली जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं या नॉन आयनाइज ड्रग्स होते हैं, वो इजिली पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मूव होकर सेल के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि यूरिया या फिर एल्कोहल, वो इजिली सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझने से पहले हम एक और चीज समझेंगे, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मीन्स स्पेसेस या फिर होल्स प्रेजेंट होती है। ये पोर्स स्पेशली अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैसे मूव होंगे सेल मेम्ब्रेन से? उनके अंदर एक्वापोरिन्स होते हैं। सो ये जो मैंने बनाए हैं, ये क्या है? एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको ये ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है सेल के क्रॉस। सो अगर सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन की बात करें, तो लिपिड सोल्यूबल इजिली मूव हो जाएंगे लिपिड बायलेयर से, उनको कोई भी पोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की, तो उनको एक्वापोरिन्स की जरूरत पड़ेगी। जो एक्वस पोर्स हैं, जो वाटर को मूव करवाते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी सेल के अंदर जाने के लिए। सो दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि कोई फैसिलिटी चाहिए डिफ्यूज होने के लिए। डिफ्यूजन सेम प्रोसेस, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाना, और एनर्जी का इसमें यूज नहीं होता। तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कैरियर प्रोटीन्स, जो कि सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो कि जो सब्सटेंसेस इजिली लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते, वो इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू पास होते हैं। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा, एंड इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंपली एक मॉलिक्यूल है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, मीन्स कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू सेल के बाहर से अंदर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? हमें कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होने के लिए। मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होने के लिए कैरियर प्रोटीन की हेल्प लेते हैं, उसकी फैसिलिटी लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पहले ही पढ़ा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी तक जितने हमने पढ़े थे, ये क्या थे? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग थे, मीन्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन अगर सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन लो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और इंट्रा सेलुलर स्पेस में सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन हाई है, हायर, अगर हमने लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव होना है, तो ना पैसिव डिफ्यूजन, ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ना ही एक्वापोरिन्स हेल्प करेंगे। देन हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। सो ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये कैरियर प्रोटीन्स किसी भी सब्सटेंस को सेल से मूव होने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं? एटीपी की। एटीपी मतलब एनर्जी की नीड पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सो सपोज यहाँ पर मॉलिक्यूल है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो उसको इंट्रा सेलुलर स्पेस में मूव होने के लिए जो कैरियर प्रोटीन है वो एनर्जी की हेल्प लेंगे, बिकॉज
हमें लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाना है। सो ये प्रोटीन क्या करेगा, कैरियर प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को इनसाइड सेल में छोड़ देगा, इनसाइड सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नाउ कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, सो ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव होता है सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, सपोज ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सो ये सेल मेम्ब्रेन मीन्स जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, किसी सब्सटेंस को एंगल्फ कर लेती है, स्पेशली जो लार्ज साइज सब्सटेंसेस होती है उसको एंगल्फ करके ये क्या बना देती है, एक पॉकेट बना देती है, वेसिकल बना देती है, और ये वेसिकल सेल के अंदर सेल के अंदर लीव हो जाती है, सेल के अंदर पहुंच जाती है, जिसके अंदर सब्सटेंस होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सब्सटेंस को एंगल्फ करके इनसाइड फोल्ड हो जाती है, जिसको बोलती है पिनोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस, और ये जो मॉलिक्यूल है वो सेल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो पिनोसाइटोसिस बहुत ही लेस यूज मेथड है या प्रोसेस है, इसके थ्रू बहुत ही कम सब्सटेंसेस सेल के अंदर मूव होते हैं। बाकी जो ज्यादा प्रोसेसेस यूज होते हैं वो होते हैं पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, सो मैंने बहुत ही ईजी वे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस आर बेटर एब्जॉर्ब देन सॉलिड मेडिसिनल प्रिपरेशंस। अगर मेडिसिन हमारी लिक्विड होगी तो वो इजिली एब्जॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड मेडिसिन। इसलिए जब भी हम कोई भी टैबलेट अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो ओरल रूट से वो टैबलेट फर्स्ट स्टमक में जाकर डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि वो टैबलेट स्टमक में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन। नाउ डिसइंटीग्रेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ये स्मॉल पार्टिकल्स हमारी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं या फिर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं उनके साथ डिसॉल्व हो जाएं, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। सो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्लड में ड्रग का एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि ब्लड में वही ड्रग एब्जॉर्ब होगा जो स्मॉल साइज का होगा। सो इसलिए ड्रग में ब्लड में डिसॉल्व होने के लिए जो ड्रग है, टैबलेट है, उसका जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, पार्टिकुलेट का साइज स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए जो लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशंस है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, इजिली डिसॉल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड मेडिसिंस। सो अगर सॉलिड मेडिसिंस भी है तो उसमें भी स्मॉल साइज के अगर पार्टिकुलेट है, स्मॉल साइज है ड्रग का, तो वो इजिली एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट आता है हाईली लिक्विड सोल्यूबल। अगर हाईली लिपिड सोल्यूबल या फिर अनआयोनाइज ड्रग्स हैं तो वो इजिली एब्जॉर्ब होंगी एज कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल एंड आयोनाइज ड्रग। सो लिपिड सोल्यूबल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बायलेयर है, इससे लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजिली क्रॉस हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से एंड इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। सेम अगर अनआयोनाइज ड्रग है तो वो भी लिपिड सोल्यूबल, उसकी हाई होती है लिपिड सोल्यूबिलिटी, इसलिए वो इजिली क्रॉस हो जाती है। वेयर एज वाटर सोल्यूबल और आयोनाइज ड्रग्स, वाटर सोल्यूबल और आयोनाइज ड्रग वो क्रॉस नहीं कर पाते इजिली। अगर हम ओरल रूट प्रेफर कर रहे हैं, ओरल रूट से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी क्या होगा कि जो हमारी स्मॉल स्टमक है उसकी एपिथेलियल लेयर और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी एपिथेलियल लाइनिंग से एब्जॉर्ब होगी ड्रग। सो जो लिपिड सोल्यूबल और अनआयोनाइज ड्रग होगी वो इजिली क्रॉस कर जाएगी, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में। नाउ स्मॉल साइज ड्रग फेवर रैपिड एब्जॉर्प्शन। अगेन स्मॉल साइज होगा अगर ड्रग का तो वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, चैनल्स हैं, सो वो पोर्स में किसको फेवर करते हैं, लार्ज साइज होगा अगर पार्टिकल का तो वो उन पोर्स से क्रॉस नहीं हो पाएगा, स्मॉल साइज पार्टिकल्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स क्या होते हैं, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं, मीन्स सिंपल डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, तो अगर कंसेंट्रेशन ड्रग की हाई होगी एक साइड, तभी वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर कंसेंट्रेशन ड्रग की लो होगी या फिर थोड़ी सी हाई होगी एज कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर, अगर इंट्रासेलुलर में लो कंसेंट्रेशन है और एक्स्ट्रासेलुलर में हाई इतनी ज्यादा नहीं है, तो ड्रग जैसे ही दूसरी साइड जाएगी, इंट्रासेलुलर में जाएगी, तो जैसे ही इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो ड्रग का मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसलिए हाई कंसेंट्रेशन ड्रग की इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर जाने के लिए।
नेक्स्ट आता है लार्जर द सर्फेस एरिया मोर विल बी एब्जॉर्प्शन. सर्फेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी. जैसे कि स्टमक में ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता एज कम्पेयर टू इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में ड्रग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है. क्यों? क्योंकि स्टमक का जो सर्फेस एरिया है वो कम है. वेयर एज जो इंटेस्टाइन है हमारी, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा है. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करें तो वो ज्यादा बड़ी है, ज्यादा सर्फेस एरिया है एज कम्पेयर टू स्टमक. इसलिए इंटेस्टाइन से जल्दी एब्जॉर्ब होता है. सो मोर सर्फेस एरिया मोर विल बी एब्जॉर्प्शन. जितना सर्फेस एरिया होगा उतनी एब्जॉर्प्शन होगी. नेक्स्ट आता है एसिडिक ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक बेसिक बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. सो पीएच भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर पीएच एसिडिक है, सो पीएच एसिडिक कहाँ होता है? स्टमक में. सो स्टमक में पीएच एसिडिक है तो एसिडिक ड्रग्स स्टमक में ही एब्जॉर्ब होती है मोस्टली. और स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच क्या है हमारा? बेसिक है, एल्कलाइन है. सो जो एल्कलाइन ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होती हैं. वेयर एज जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, इसलिए कई एसिडिक ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अब्सॉर्ब होती है बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज्यादा है. बट पीएच मस्ट बी कंसिडर, ये भी एक फैक्टर है. नेक्स्ट आता है इंक्रीज पेरिस्टेल्सिस इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन. अगर पेरिस्टेल्सिस इंक्रीज है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा. पेरिस्टेल्सिस मतलब जो हमारी जीआईटी की मूवमेंट है. अगर ओरल रूट लेते हैं तो अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की मूवमेंट इंक्रीज है जैसे कि डायरिया में होता है तो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ड्रग को इंटेस्टाइन में रहने का टाइम कम मिलेगा. तो अगर कम टाइम मिलेगा तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी इसकी लाइनिंग से और जल्दी से वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगी. इंक्रीज पेरिस्टेल्सिस होगी तो ड्रग इजली एब्जॉर्ब नहीं होगा, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी. इसके अलावा क्या होता है दैट पेरेंट्रल रूट इज बेटर देन एंट्रल रूट. पेरेंट्रल रूट से एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू एंट्रल रूट. क्यों? एंट्रल रूट में क्या होता है, हमारा लीवर है यहाँ पे. सो लीवर में पोर्टल वेन के थ्रू जब भी ड्रग हम एंट्रल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होकर कहाँ चल जाता है? लीवर में चल जाता है. जैसे इंटेस्टाइन में ड्रग पहुंचा या स्टमक में ड्रग है तो कैपिलरीज वहां मिलकर कहां जाती है? पोर्टल वेन में जाती है. एंड पोर्टल वेन से ड्रग कहां जाएगा? लीवर में जाएगा. सो लीवर में क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में जाने से पहले, हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले जो ड्रग है वो कहाँ पहुंच गया? लीवर में मेटाबोलाइज होने. सो अगर लीवर में ड्रग पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएगा जैसा कि ओरल रूट में होता है तो ड्रग की जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विच इज अवेलेबल फॉर एक्शन. एक्शन परफॉर्म करने के लिए जितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अवेलेबल है दैट इज बायो अवेलेबिलिटी. सो बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की कम हो जाती है ओरल रूट से, या फिर और भी कई रूट है. सिर्फ आईवी रूट ऐसा है, इंट्रावेनस रूट, जिसमें ड्रग को लीवर से होकर नहीं गुजरना पड़ता, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरना पड़ता, वो डायरेक्टली ब्लड में ही मेडिसिन जाती है. सो वेयर एज जो सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका है? ओरल रूट का. तो बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट से कम हो जाती है. और भी जो अदर पेरेंट्रल रूट है इंट्रावेनस को छोड़कर उन्हें भी किसी ना किसी हद तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है. इतना ज्यादा नहीं जितना कि ओरल रूट से, लेकिन फिर भी उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है. इसलिए एंट्रल रूट की सबसे कम है एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल रूट. सो पेरेंट्रल रूट से बेटर एब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज समहाउ उनको इतना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरना पड़ता है. बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट से ज्यादा रहती है ड्रग की. देन आता है ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट. अब एब्जॉर्प्शन साइट पर जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. सो अगर हम सबलिंगुअल की बात करें सबसे पहले, सो सबलिंगुअल में क्या है, टंग के नीचे जो वस्कुलर एरिया है वो ज्यादा है, ब्लड कैपिलरीज ज्यादा है. सो जितना ब्लड फ्लो होगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा. इंट्रावेनस रूट में तो हम डायरेक्टली ही ब्लड में मेडिसिन डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटर एब्जॉर्प्शन होगा. नाउ स्टमक्स में अगर हम ओरल रूट लेते हैं मेडिसिन तो स्टमक में क्या होता है, एक तो थिक म्यूकस होता है, यहाँ पे स्टमक में थिक म्यूकस लाइनिंग होती है, एसिड सिक्रीशंस होते हैं और भी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबोलाइज कर देते हैं ड्रग को. तो थिक लेयर की वजह से यहाँ पर वस्कुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ब्लड में जाने के लिए ड्रग को इतना ज्यादा ईजी नहीं है. नाउ इंटेस्टाइन में भी सेम है, इंटेस्टाइन में भी अगेन
एपिथेलियल लाइनिंग है, लेकिन स्टमक में क्योंकि म्यूकस भी है उसकी भी लाइनिंग है, देन एसिड भी है और थिक एपिथेलियल लाइनिंग है एज कम्पेयर टू इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में इसलिए बेटर एब्जॉर्प्शन होती है एज कम्पेयर टू स्टमक। तो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उस ऑर्गन के पास होगा, जितना ज्यादा वस्कुलैरिटी होगी, उतनी ईजली ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जिस रूट में सबसे ज्यादा वस्कुलैरिटी है, जैसे कि सबलिंगुअल रूट और अपना इंट्रावेनस रूट, तो उसमें ईजली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन यहाँ पर मैंने कुछ रूट्स बताए हैं जिनकी ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, उनका रेट बताया है। जैसे कि सबसे पहले इनहलेशन, जो इनहलेशन रूट है वो सबसे क्विक रूट है, उसमें सबसे ज्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। देन आता है इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनस रूट में भी 100% बायोअवेलेबिलिटी है, बट क्विक रेट क्विक नहीं है, बट हाँ जरूर जल्दी से इनहलेशन के कंपेरिजन में आई भी थोड़ा स्लो है, इनहलेशन इज वेरी क्विक। देन आता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल में भी वस्कुलैरिटी हाई है, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। देन रेक्टल, रेक्टल में भी वस्कुलैरिटी हाई है ब्लड फ्लो की, इससे जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है आईएम, आईएम में क्या है मसल से होकर ब्लड में जाना पड़ता है तो थोड़ा कम हो जाता है। देन उसके बाद है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस में भी हमारे स्किन से फैट से होकर गुजरना पड़ता है ब्लड ड्रग को, देन सबक्यूटेनियस आता है। देन आता है ओरल, ओरल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, पहले तो स्टमक में इतनी थिक लेयर है, म्यूकस है, एसिड है और थिक एपिथेलियल लाइनिंग है, देन एंजाइम्स भी है बहुत ज्यादा जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में भी अगेन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, लीवर में जाना पड़ेगा, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। प्लस ओरल रूट में क्या होता है, स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीग्रेडिंग एंजाइम्स है। डीग्रेड मतलब वो मेडिसिन को डीग्रेड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन मेडिसिन है। अगर इंसुलिन को हम ओरल रूट से देते हैं तो वो स्टमक में जाकर डीग्रेड हो जाती है, क्योंकि स्टमक में जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उसको डीग्रेड कर देते हैं। प्लस स्टमक में एसिड पीएच है, काफी ज्यादा एसिडिक पीएच है, तो बहुत सारी ड्रग्स ओरल रूट से डीग्रेड हो जाती हैं, जो कि फिर हम ओरल रूट से नहीं प्रेफर करते, जैसे कि इंसुलिन है, देन हम सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन देते हैं। प्लस ओरल रूट में सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक है वो यही है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। बायोअवेलेबिलिटी इज मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्रैक्शन ऑफ डोज विच गोज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड देन शो एक्शन। तो जितनी डोज सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी और एक्शन परफॉर्म करेगी वो कम हो जाती है, क्योंकि जो लीवर है वो क्या करता है यूजली, वैसे तो लीवर एक्टिव भी कर सकता है किसी ड्रग को, लेकिन लीवर यूजुअली क्या करता है ज्यादा तो ड्रग को वो लेस एफिकेसी उसकी बना देता है। मींस ड्रग जैसे 100% ड्रग थी तो लीवर में जाकर वो 10 या 20% रह जाती है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज हो जाती है और इतनी बायोअवेलेबिलिटी एक्शन परफॉर्म करने के लिए कम होती है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमने ओरल डोज देनी है तो हम ड्रग की डोज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं ताकि बायोअवेलेबिलिटी बनी रहे, एटलीस्ट कुछ फ्रैक्शन हमारे पास डोज का बचे जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए एंड देन टारगेट शो करे। फॉर पार्ट टू ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड मोर वीडियोस ऑफ फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।